व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल क्यूब व्यूबर्ड। आज की इस वीडियो में हम आपको मेरे 2022 का क्यूब कलेक्शन दिखाने वाले हैं। ये वीडियो इस साल की आखिरी वीडियो होने वाली है, सो इसमें हम लोग फन करेंगे और अपने पजल्स दिखाएंगे। सो लेट्स गो। सो शुरू करने से पहले मेरी तरफ से आप सभी व्यूअर्स को वेरी हैप्पी न्यू ईयर। तो सबसे पहले हम अपना फर्स्ट क्यूब दिखाते हैं। तो ये मेरा फर्स्ट क्यूब है, ये मोयू कंपनी का है और ये मेरा सबसे पहला क्यूब है। सो इसकी टर्निंग्स पहले बहुत ही ज़्यादा स्मूथ था, अब थोड़ा रफ हो गया है, लेकिन इसकी क्वालिटी अभी भी बहुत अच्छी है। एंड इसी के साथ मेरे पास एक और क्यूब भी है जो कि स्टिकर्ड वर्जन है। इसकी टर्निंग मेरे को नहीं पसंद आती, क्योंकि मेरे को बेसिकली स्टिकर्ड क्यूब्स पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों बहुत ही अच्छे हैं। मेरे पास एक और 3x3 क्यूब है जिसको कहते हैं हम लोग मिनी 3x3 क्यूब, एंड ये GE कंपनी की तरफ से है। एंड आपको पता ही है GE कंपनी कितनी अच्छी क्यूब्स बनाती है, एंड इसकी टर्निंग इसके साइज़ के कंपैरिजन में बहुत अच्छी है। ये आपकी 3 सेंटीमीटर की लेंथ वाला क्यूब है, एंड आपको ये नॉर्मल क्यूब से कंपेयर करके दिखा देते हैं कितना ज़्यादा स्मॉल है। एंड अब इसको साइड में रखते हैं। सो ये अब हम अपना 4x4 क्यूब लेके आते हैं, एंड ये है मेरा 4x4 क्यूब। एंड इसकी मूवमेंट्स बहुत ही अच्छी है, बहुत ही स्मूथ है। एंड ये इसमें 4 लेयर्स होते हैं, इसीलिए ये 3x3 से थोड़ा डिफरेंट होता है। एंड अब इसके बारे में और क्या ही कहें, अब नेक्स्ट क्यूब देखते हैं। सो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्यूब। ये है मेरा 5x5 रूबिक्स क्यूब, इसमें 5 लेयर्स है। एंड पर्सनली मेरे को ये इतना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि देखिए कैसी आवाज़ निकालता है। एंड ये स्टिकर्ड वर्जन, अगर ये स्टिकरलेस होता तो ज़्यादा अच्छा रहता। वैसे आप देख सकते हैं इसके अंदर हमने डाइस पैटर्न बनाया था, आप जाके उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। एंड पर्सनली इसकी टर्निंग्स अच्छी नहीं है, लेकिन ठीक है, अब नेक्स्ट क्यूब लेके आते हैं अब अपना। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्यूब, जो कि है द बीस्ट क्यूब, 6x6 क्यूब। इसमें 6 लेयर्स है, एंड ये मोयू कंपनी का है, एंड ये बहुत ही सही क्यूब है। ये थोड़ा इसके टेक्सचर भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें थोड़ा अलग से टेक्सचर है इसका। एंड पर्सनली मेरे को ये क्यूब बहुत पसंद है। चलिए अब नेक्स्ट क्यूब लेके आते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्यूब, जो कि है पिरामिंग्स क्यूब, एंड इसकी टर्निंग्स बहुत ही अच्छी है। एंड ये मेरा पर्सनली फेवरेट क्यूब है इन सब में से। एंड इसको सॉल्व करना भी इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, इसकी हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है इसकी सॉल्विंग की वीडियो की, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं उसको भी चेकआउट कर सकते हैं, एंड उसको भी लाइक कर दीजिएगा। एंड अब हम नेक्स्ट क्यूब लेके आते हैं। सो ये है क्यूब, मिरर क्यूब, सिल्वर मिरर क्यूब, एंड मिरर ब्लॉक्स भी कह सकते हैं। एंड इसकी टर्निंग्स डिसेंट है, और ये शेप शिफ्ट बहुत सही करता है। एंड मेरे को गियर क्यूब सॉल्व करना भी बहुत अच्छा है, इसके भी हमने सॉल्व लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जिसमें हम इसको सॉल्व करना सिखाया है, एंड आप लोग जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। अगले क्यूब को लाते हैं, जो कि है ये गियर क्यूब, एंड इसकी टर्निंग डिसेंट है, एंड ये अच्छा क्यूब है। और अभी हमने इसको सॉल्व करना सीखा नहीं है, आने वाले टाइम में हम जब सीख जाएंगे तो आपको भी इसको सिखाने का ट्यूटोरियल वाली वीडियो लाएंगे, आप वेट करिएगा उसके लिए भी। एंड चलिए नेक्स्ट क्यूब लाते हैं। सो अब हम अपना नेक्स्ट क्यूब लाते हैं, जो कि है बॉल क्यूब, एटम क्यूब, बबल क्यूब, जो भी आप कह सकते हैं वो। एंड ये देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव है, एंड ये आपका 3x3 क्यूब की तरह ही सिमिलर है, एंड उसकी तरह ही सॉल्व होता है। एंड इस देख सकते हैं, अब नेक्स्ट क्यूब लाते हैं। सो अब हम अपने फ्रूट क्यूब्स लाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेमन क्यूब, एंड इसको अभी हमने हाल ही में सॉल्व करना सीखा है। एंड ये देखिए आप, ये लेमन की शेप में होता है। अब अपना नेक्स्ट फ्रूट क्यूब है बनाना क्यूब, जो कि एक बनाना की शेप में है। एंड अभी मेरे को ये सब सॉल्व करने नहीं आते फ्रूट क्यूब्स,
लेकिन आने वाले समय में हम इन सब सारे फ्रूट क्यूब्स को सीखेंगे। नेक्स्ट है एप्पल क्यूब, जो कि अलग ही लेवल का है। इसके इंटरनल्स बहुत ही स्मूथ है एंड देखने में भी ये अच्छा लगता है, प्लीजेंट है। और अपना फोर्थ फ्रूट क्यूब लाते हैं, जो कि ऑरेंज। सो ये है अपना ऑरेंज क्यूब, कि देखने में थोड़ा ख़तरनाक सा लगता है, इसको सॉल्व करना भी थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन हम जब सीख जाएंगे तो आपको बहुत इजी वे में सिखाएंगे। सो अब फ्रूट क्यूब्स को साइड में रख के अपने दूसरे क्यूब्स लाते हैं। अब हम दो और क्यूब्स लाते हैं। सो ये है डाइनो क्यूब एंड ये है आईवी क्यूब। ये ब्लैक स्टिकर्ड वर्जन है एंड ये स्टिकरलेस वर्जन है। ये डाइनो क्यूब जो है, अब इसको यूज़ करते 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 ये थोड़ा इसकी स्मूथनेस कम हो गई है, लेकिन फिर भी चलिए अब क्या ही कर सकते हैं। एंड ये आईवी क्यूब है, इसको जितना भी यूज़ करो इसकी स्मूथनेस नहीं ख़त्म हो रही है। एंड ब्लैक वर्जन आपको पता है, ये हमें देखने से थोड़ा कूल लगता है, इसीलिए हमने मंगवाया। और अब दोनों ही क्यूब्स को साइड में रखते हैं और अपने लास्ट के कुछ क्यूब्स लाते हैं। सो ये है मेरे पास टावर क्यूब, ये हमने रिसेंटली ख़रीदा था। और ये क्यूब क्या कह सकते हैं इसको, ये क्यूबॉइड है जो कि 2x2x3 है, 2x2x3। एंड इसको सॉल्व करना थोड़ा इजी है, लेकिन हम इसको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके सीख रहे हैं। हम जैसे ही ये सीख जाएंगे प्रॉपर तरीके से, हम आपको वीडियो बना के सिखाएंगे। एंड ये है मेरा बैरल क्यूब, एंड ये एक बहुत ही अच्छा शेप शिफ्टर क्यूब है, क्योंकि देख सकते हैं पूरा शेप शिफ्ट कर जाता है। एंड इसकी एक और ख़ास फीचर है कि अगर हम लोग येलो एंड वाइट के सेंटर पीसेस पे उंगली रखें तो ये स्पिन भी करता है, एंड जो कि बहुत ज़्यादा ही कूल है। एंड अब हम लोग अपना लास्ट पज़ल लाते हैं, जो कि है डिजिटल क्लॉच की मोयू कंपनी का। और ये अभी तक हमने अनबॉक्स नहीं किया, सो इसको ओपन करते हैं। एंड ये रहा, ये मैग्नेटिक वर्जन है डिजिटल क्लॉच की का, एंड ये मोयू कंपनी का है। जैसे देख सकते हैं मैग्नेटिक है, गिरता नहीं है ये। एंड इसके मूवमेंट्स भी बहुत अच्छे हैं, जैसे देख सकते हैं हमने इसको एक अलग वे में रीअरेंज कर दिया। और ये क्लॉथ की बहुत ही अच्छा है। और यही थे मेरे पास, इतने ही पज़ल्स थे। आई होप आपको सारे के सारे पज़ल्स पसंद आए होंगे। अगर आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।